मेरे सभी साथियों एक बार फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो मैंने ख़ास तौर से मैथ्स के क्वेश्चन आज लिए हैं और इसके अंदर सांख्यिकी सरल ब्याज और प्रतिशतता ये तीन टॉपिक मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं खास तौर से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आप इनको जरूर पढ़ें आपको इससे फ़ायदा होगा हाँ एक बार और जो लोग सीई का एग्जाम देने जा रहे हैं ये सीई वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है तो ये उनको भी देखना चाहिए तो लीजिए अपन बिना किसी आ, उसके टाइम वेस्ट किए और अपन डाइट काम शुरू करते हैं ताकि आपको तुरंत फायदा मिले आपका समय बेकार नहीं जाए फर्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिक का कौन सा एक प्रयोग सांख्यिकी का बहुवचनीय प्रयोग है यानी कि सांख्यिकी का ये चार ऑप्शन दे हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो बहुवचनी यानी कि इन प्लूरल सेंस के अंदर यूज होता है यानी सांख्यिकी के दो होते हैं एक वचनी और बहुवचनी रूप में जो काम आते हैं आंकड़े तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय आय समंक बी दे है समंकों का, का संग्रहण सी दे है समंकों का, का विश्लेषण और डी दे है समंकों का निर्वचन है ना तो ये जो नेशनल इनकम वाली बात है यहाँ डाटा का कलेक्शन है या डाटा का एनालिसिस है और यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन है व्याख्या है ठीक है तो इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है बहुवचनीय के रूप में राष्ट्रीय आय समंक जो ये, है ये बहुवचने या इन सेंस के अंदर काम आएगा ये सभी जो है ये इन सिंगुलर सेंस में काम आएंगे बी सी और डी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप इसको ध्यान में रखें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है यानी सबसे पहले इसके बारे में किसने व्याख्या की अवार्ड दिया किसने कौटिल्यनवाल हेमलेट और फ्रिश तो इसके अंदर सही आंसर है आपका एकेनवाल एक वाल ने सबसे पहले सांख्यिकी बारे में अपने सिद्धांत दिए और सांख्यिकी शब्द को इसने सबसे पहले यूज किया है इसलिए एक एनवाल को सांख्यिकी के जन्मदाता कहा जाता है देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है तीसरा ये कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेटिस्टिक्स का अर्थ है ये कह रहा है स्टेटस लेटिन भाषा में बी कह रहा है स्टेटिस्टा इटेलियन भाषा में सी कह रहा है स्टेटिस्टिक जर्मन भाषा में और डी कह रहा है सभी सही है तो ये खास तौर से इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा ये आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट है सभी इसके अंदर सही है आप इसके अंदर भूल नहीं करें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इन सभी का अर्थ होता है राज्य स्टेटस का मतलब राज्य स्टेट होता ना वो तो ये इसके अंदर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन आर पी एस सी में स्कूल इस, लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर पूछा गया था ठीक है आपको इसको ध्यान में रखना होगा बस ध्यान रखना कि कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज का है ये भी अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा फिर क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है यदि समंकमाला में विभिन्न पदों का सापेक्षिक महत्व हो तो यूज होता है यानी कौन सा माध्य इसके अंदर यूज होगा समांतर माध्य गुणोत्तर हरात्मक माध्य और भारित माध्य। देखिए रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात जब आती है माला में डाटा की तब इसके अंदर भारित माध्य यानी कि वेटेड मास काम आता है ये इसके अंदर डी इसका सही आंसर है जो आपको इसमें ध्यान रखना होगा अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवा गुणात्मक प्रकृति के समंकों के अध्ययन में यूज़ होता है पहला माध्य दूसरा माध्यिका, सी बहुलक और भारत माध्य देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एक एक है ना हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं माध्य भी जानते हैं माद्या जानते हैं यानी मीन मोड मीडियन है ना ये मीडियन मोड और एवेटेड मास तो सब जानते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब वहाँ पर जो कन्फ्यूजन होता है वो क्वेश्चन वो कन्फ्यूजन नहीं रहे इसके लिए अपने को इनको जरूर स्टडी करना चाहिए तो पाँचवें के अंदर बी वाला माध्या ये सही है गुणात्मक प्रकृति के समंकों के अध्ययन में माध्यिका का यानी कि मीडियन का उपयोग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्स वाला ऋतु विज्ञान व जीव शास्त्र संबंधी समस्याओं हेतु यूज होता है माध्य का बहुलक माध्य हरात्मक माध्य। बताइए आप कौन सा सही होगा इसके अंदर इसके अंदर बी वाला सही है जीव शास्त्र और ऋतु विज्ञान के अंदर यानी कि ये बायोलॉजी से संबंधित जो भी आ, जो समस्याएं होती है वो सारी बहुलक के द्वारा ज्ञात की जाती है फिर चलते अपन अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आ गए हम ये कह रहा है कि किस सेठ का माध्य माध्यिका और बहुलक समान है आपके पास चार दे रखे हैं ए बी सी डी अब आपको इसके अंदर आप ये सब निकालना पड़ेगा तो वास्तव में इसके अंदर ध्यान देना जो सही आंसर है वो इसका सी वाला है क्योंकि सी के अंदर ये जो क्वेश्चन आपका सेवन है सी ऑप्शन में अगर आप एक्स बार निकालेंगे तो वो तीन आ जाएगा जो आप ये मोड निकालेंगे ठीक है जेड तो ये आपके आ जाएगा तीन और मीडियन आ जाएगा वो भी आपके तीन तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है और इन आंकड़ों से आपको माध्यम माध्यम का बहुलक निकालना आता है कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ठीक है तो ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए ये कह रहा है कि 100 यूनिट्स का माध्य 50 है यह पाया कि सबसे बड़ी इकाई का मान जो गलती से 150 हो गया जबकि वास्तविक 160 था तो वास्तविक माध्य क्या है चार ऑप्शन दे रखे हैं 50.2, पॉइंट दो साठ तो इसके अंदर आपके जो सही आंसर है वो आपके डी वाला है 50.1। ये हुआ कैसे आपको मालूम है कि 100 यूनिट का माध्य 50 है तो कुल कितना हो जाएगा 100 इन टू पचास ठीक है माइनस एक सौ प्लस एक सौ तो गलत था इसलिए कुल में से कुल निकाला कुल में से 150 माइनस किया और जो सही था उसको जोड़ दिया और फिर वापस वही काम किया अपन ने एन का भाग लगा दिया एक्स बार इक्वल टू सिगमा एक्स एन होता है तो कुल के अंदर ये पाँच हजार ठीक है ये आपके पाँच हज़ार और ये आप अगर घटाएँ इसके अंदर तो ये आपके क्या दस बज जाएगा और ये नीचे सो तो ये आपके कितना आ गया पचास पॉइंट एक ठीक है बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाएंगे बस ये तरीके आप ज़रूर सीख लें फिर आप देखें अगला क्वेश्चन नाइन्थ वाला किस माध्यम में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है ना चरम मूल्यों का जो क्रिटिकल जो लास्ट की जो साइड की जो वैल्यू होती है फर्स्ट और लास्ट उनका प्रभाव किस पर कम होता है तो ये आपको इसके अंदर बहुलक समांतर माध्य हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य इन चारों में से बताना ऑप्शन देखिए हर बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं ठीक है टॉपिक वही मिल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन चेंज हो रहा है हर बार क्वेश्चन में हल्का सा चेंज आ रहा है तो ये ए वाला ऑप्शन इसके सही है बहुलक का उपयोग किया जाता है ऐसा है जिसके अंदर चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन दसवा कह रहा है कि प्रथम दस अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है तो पहले तो आप प्रथम दस अभाज्य संख्या ले ले दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेबीस और ये उनतीस गिन लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हो गए अब इस माध्यिका निकालनी है अब पहले ही मालूम है कि माध्यिका के लिए अपने को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है तो ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है अब इसका तरीका मैंने क्या बता रखा एक इधर से काटा एक इधर से काटा एक इधर से एक इधर से एक इधर से, 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 से बीच में क्या बच गया आपके पास में ग्यारह और तेरह तो माध्यिका इसकी जो होगी वो ग्यारह प्लस तेरह बटा दो यानी कि चौईस बटा दो यानी कि बारह तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है ध्यान रखना ऐसे काटने में आपको अल्टरनेट एक इधर से एक इधर से लेना और लास्ट में अगर दो संख्या बची तो इनका माध्य निकाल लो और अगर अकेली बच गई तो वो खुद ही माध्य हो जाएगी ठीक है मतलब माध्य का हो जाएगी ठीक है ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छा तरीका है एक मतलब सेकेंडों में आंसर आ जाएंगे इसके लिए फिर अगला आ रहा क्वेश्चन ये कि एक सम्मित बंटन के लिए जेड माइनस एम बराबर क्या होगा एक्स बार वन जीरो मतलब एक्स बार का मतलब माध्य हो जाएगा वन हो जाएगा जीरो हो जाएगा या थ्री इंटू एक्स बार प्लस एम होगा तो आपको खास बात यह है कि सम्मित बंटन की जब बात आती है तो z माइनस एम बार का मतलब क्या हुआ बहुलक और माध्यिका ठीक है ना यहाँ बहुलक और माध्यिका की बात कर रही है तो उस केस में बहुलक जेड माइनस एम का मान जीरो हो जाएगा क्योंकि बंटन सम्मित होता है यह इस प्रकार से चलता है ठीक है यह इस प्रकार से यानी जैसा इधर है वैसा इधर है तो यह डिस्टेंस सब जगह से बराबर होगी और इस केस में यह समित बंटन बनेगा और इसलिए इसका जेड माइनस एम जो होगा वो जीरो हो जाएगा ये तो क्वेश्चन थे देखो सांख्यिकी वाले अब आ गये में ब्याज के अंदर कितने समय में दस परसेंट की दर से किसी धन का सरल ब्याज मिश्र धन का दो बटा पाँच होगा अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए सिस्टम देखना पड़ेगा कि सरल ब्याज यानी कि आई बराबर मिश्र धन जिसको अपन ए लिखते हैं और इसका दो बटा पाँच तो देखिए ये पाँच आई दो ए ये पाँच आई दो ए का मतलब दो इंटू पी प्लस आई और ये पाँच आई बराबर दो पी प्लस दो आई तो ये दो आई दर्ज गया तो तीन आई बराबर दो पी और अब क्या करना तीन इंटू पी इंटू टी इंटू आर बटा सो ठीक है ये अपना कितना इजी काम हो गया इधर टू पी ये पी से पी कटा तो आपके फाइनली टी आर बराबर क्या बनना दो सौ बटा तीन ठीक है अब इसमें जो सवाल में दे रखा था कितने समय दस परसेंट की दर समय पूछा और दर दे रखी है तो आपके समय पूछा और ये दो सौ बटा तीन और आज आप, आपके दस से ये कट गया तीन का भाग अगर बीस में लगाया तो छः सही 2 दो बटा तीन आएगा और ये आपके अंगारा क्लियर डी वाला ऑप्शन करेक्ट इसके अंदर ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है आपको कुछ मानना न करना बस दो तीन फॉर्मूले ध्यान रखने आपको कि एक तो आई इक्वल टू पी इन टू टी न्टु आर बटा सो और एक आपको ए इक्वल टू पी प्लस आई मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन जो है कोई धन पाँच वर्ष में दुगुना हो जाए तो उसी दर से कितने समय में पाँच गुना होगा देखिए दो कंडीशन बन रही है इसके अंदर पाँच वर्ष में दुगुना मतलब क्या हुआ कि जो आपके आ, ए बराबर क्या हो गया ये दुगुना है ना तो ये दो पी हो गया ठीक है और दूसरे वाले में कह रहा कितने समय में पाँच गुना हो जाएगा तो दूसरी कंडीशन में ए बराबर आ, पाँच गुना कहा ना तो ये पाँच पी हो जाएगा बस अब आप ए का मतलब लिख दें आप पी प्लस आई दो पी तो ये आपके पी बराबर आई तो ये पी बराबर पी इंटू टी इंटू आर बटा सो पी से पी कैंसिल टी आर बराबर सो इधर तो आ गया ये और इधर सेम ऐसे ही पी प्लस आई बराबर पाँच पी तो ये आई बराबर चार पी रह जाएगा फिर ये पी इंटू टी इंटू आर बटा सो बराबर चार पी तो पी से पी कैंसिल टी आर बराबर चार सौ हो गया ठीक है अब हमारे पास पाँच वर्ष कह रहा है तो इधर आप पाँच वर्ष कर दो तो ये पाँच आर बराबर सो तो ये आर कितना आ गया बीस प्रतिशत और यहाँ कोई धन उसी दर से कितने समय पूछा है ध्यान देना तो समय ये आर यहाँ फूट कर दें आप ठीक है ये बीस यहाँ पुट कर दें तो ये आपके टी आ जाएगा बीस दो न चालीस ये ये हो जाएगा बीस वर्ष तो ये आपके इसके अंदर जो आंसर आ रहा है ये ए वाला सही है बीस वर्ष है ना बिल्कुल इजी तरीका हम सभी के अंदर एक ही तरीका यूज़ करके और आराम से अपन सवाल को चंद सेकंडों में सही कर सकते हैं क्वेश्चन देखिए है, ये आपके फोर्टीन वाला अब फोर्टीन में ये कहा कितने समय में कोई दर दस परसेंट की दर से दोगुना हो जाएगा लो सीधा सीधा पूछ लिया इसने यानी कि ए बराबर दो पी तो ये पी प्लस आई बराबर दो पी तो ये आई बराबर पी पी इंटू टी इंटू आर बटा सो बराबर दो पी ठीक है दो पी क्या खाली पी रह जाएगा तो ये पी से पी कैंसल मतलब आपके टी आर बराबर क्या आ गया सो और या 10 परसेंट दे रखा है तो टी 10 ये तो ये टी बराबर क्या आ जाएगा 10 वर्ष तो ये सही आंसर आपके क्या आ गया इसके अंदर बी वाला 10 वर्ष क्वेश्चन 15 कह रहा है देखिए चार सौ रुपए का तीन वर्ष का सरल ब्याज छः रुपए रुपये के दो वर्ष के सरल ब्याज से छः रुपये अधिक है तो ब्याज की दर इनमें से क्या होगी चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास दो कंडीशन बन रही है हम दोनों सरल ब्याज है तो आई वन बराबर पी इंटू टी इंटू आर बटा सो इधर आई टू इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बटा सो अब यहाँ पर क्या है सारी चीज़ें यहाँ चार ध्यान से देखना तो ये 450 तीन वर्ष और दर आर वन काट देता हूँ बटा सो इधर आई टू पी आपके कितना छ सौ दो इंट दर आर टू बटा सो ये क्या हो जाएगा आपके आई वन बराबर कट रहा है तो काट दो ये इसमें जीरो से जीरो कटा और पाँच दुनी और पाँच नब्बे ताली तो नौ तरी सत्ताईस आर वन बटा दो आ गया ठीक है और इधर आपके I2 टू कितना आ रहा है यह 6 दूनी बारह आर ठीक है अब इसने कहा कि दोनों में मतलब इसका जो ब्याज है वो उससे छह रुपये अधिक है मतलब ये कह रहा है कि I1 वन बराबर आई टू प्लस सिक्स है बस आप इसके अंदर सेट कर लें I1 तो हो गया आपके सत्ताईस बटा दो आर वन हो गया आपके बारह आर टू प्लस छ बस आप कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हो और इसको सोल्व करोगे तो आपके आर वन माइनस इसने जो पूछा है ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन इसने क्या कहा था ब्याज की दर दोनों में सेम है तो आपके आर वन और आर टू बराबर है तो आप दोनों को इसको ओनली आर मान ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं दोनों हल हो जाएगा तो इससे आपके जो आर आएगा वो कितना आएगा चार परसेंट तो ये आपके इसके अंदर सही आंसर है ए वाला हो जाएगा इसके अंदर है ना ये इसमें दो बार दे दिया है तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है आप इसके अंदर जो भी माने चलो एक काम करो इसको आप सी ऋण दो आंसर और इसको आप छः पाँच तो इसको आप तीन परसेंट कर दो ठीक है ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है फिर आप चले अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया देखो इसने अगला भी ये कह रहा है सोलवा पाँच सौ के दो वर्ष के दो बैंकों के ब्याजों में अंतर जो है वो दो पॉइंट पचास रुपये हो तो उनकी दरों का अंतर कितना होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सोलवा यहां आप थोड़ा सा ध्यान से देखना काम कोई मुश्किल नहीं है 500 सौ दो कंडीशन बन रही है ठीक है तो वो क्या कंडीशन बन जाएगी देखिए उनके ब्याजों में अंतर दो पॉइंट पचास है मैं काम कर रहा हूँ आई वन माइनस आई टू इक्वल टू पी टी आर बटा सो माइनस पी टी आर बटा सो ठीक है ध्यान से देखना तो ब्याज के अंदर अंतर जो है वो तो आपके कितना हो गया दो पॉइंट पचास और यहाँ पाँच सौ के दो वर्ष के दोनों में पी समान है और दोनों में टी भी समान है तो पी और टी कॉमन ले करके मैं नहीं इसको पाँच का डबल कर दूँ हजार और सो भी मैं इसके बटे में ले लूँ तो अंदर मेरे बच जाएगा आर वन माइनस आर टू पूछा भी तो इसने यही है आ, उनकी दरों का अंतर तो कोई दिक्कत नहीं है अब आप इसको ये तो आप कह देखो कैंसिल ठीक है और आपके आर वन माइनस आर टू जो आएगा वो दो पॉइंट पचास बटा दस हो रहा है इसके अंदर तो ये आपके पॉइंट पच्चीस परसेंट इसकी ब्याज दर हो जाएगी ये देखिए डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है फिर नेक्स्ट जो हम चलते हैं सत्रहवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का आठ परसेंट बराबर y का चार परसेंट अब अपन परसेंटेज के अंदर घुस गए हैं x का आठ परसेंट यानी कि सत्तरवा कह रहा है कि x का आठ परसेंट मतलब आठ बटा सो बराबर y इंटू चार बटा सो तो देखो ये दे रखा है ये कह रहा हो तो x का बीस परसेंट वाई के कितने परसेंट के बराबर है तो ये कह रहा है इससे हमारा देखो कि सौ सौ तो कैंसिल तो ये क्या आ गया आपके टू एक्स बराबर वाई ये आ चुका अब इसने कहा कि वाई के कितने एक्स का बीस परसेंट नेक्स्ट कंडीशन एक्स इंटू बीस बार आ बराबर वाई इंटू क्वेश्चन मार्क और एक्स के जगह आपके ये क्या हो जाएगा Uh, वाई बटा दो इंटू बीस बटा सो ठीक है आप इसकी जरूरत नहीं डायरेक्ट मतलब इसने ही पूछा है तो ये आपके क्या आ जाएगा दो से ये दस बार कटा मतलब ये हो जाएगा वाई इंटू दस बटा सौ देखिए इतना अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है वाई का कितना परसेंट हुआ दस परसेंट हुआ नहीं ये ठीक है तो ये आपके दस परसेंट इसका आंसर आ जाएगा तो ये इसमें बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन वाला देखिए इसने कहा कि दस की घात तीन प्लस सात की घात तीन माइनस वन की घात तीन का क्यूबिक रूट का मान पूछा और वो भी आंसर थोड़ा देखो अलग तरीके से दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा आपके हज़ार प्लस सात का कितना होता है तीन सौ तियालीस और माइनस एक का क्यूबिक रूट ये बन जाएगा तो ये एक हज़ार तीन सौ देखो सात का है ना तीन सौ तेल सी ये ये सात सौ उनतीस होगा भाई ठीक है और ऐसे केस में ये आपके क्या बन गया सत्रह सौ अट्ठाइस और इसका आपको क्यूबिक रूट करना है वो होता है बारह अब इसमें बारह को लिखने का जो तरीका है वास्तव में वो हो जाएगा दस प्लस तीन माइनस वन ठीक है ये देखिए आपके सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये कह रहा है तीन पावर तीन प्लस चार पावर तीन बराबर एक्स क्यूब माइनस फाइव पावर तीन में एक्स की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन सीधा सा है कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और थोड़ा तो टाइम लेता है तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए ताकि मिस्टेक नहीं हो ये तो होगी आपके सताइस ये चार के पावर तीन कितना हो जाएगा चौंसठ एक्स क्यूब एज इट इज दो और ये हो जाएगा 125 पच्चीस सात और चार ग्यारह दो आठ एक नौ बराबर एक्स क्यूब माइनस दो सौ पच्चीस तो इससे आपके एक्स क्यूब कितना हो जाएगा ये इधर आके जुड़ जाएगा ये बन रहा देखिए आपके 216 ठीक है तो 216 का मतलब हो गया x बराबर आपके ये कितना छः है ना क्योंकि एक्स क्यूब पावर और छः पावर तो ये आपके x बराबर छः हो जाएगा तो ये इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन है मैंने आज के इसके अंदर वीडियो पूरा हुआ ये आपका ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको जरूर आपको पढ़ना है मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है प्रयास किया है आपको इसका ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए अच्छा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें आप साथियों को शेयर भी कर दें और जो सी एम पी सी नाम का चैनल है आपका अपना चैनल है आप इसको सब्सक्राइब भी करें और सभी साथियों को बताएं ताकि हमें और काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे थैंक्स